एक और तो हम ये मानते हैं कि हम कोई करता नहीं है, कि ईश्वर करता है, कि कर्म करता है, और दूसरी ओर अंदर में गहराई से जाके देखो अपने अपने मन में छिपे हुए चोर को, सबने अपने कर्तृत्व का कितना कितना ढेर लगा रखा है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इतना बढ़िया मंदिर बनवा दिया, इतना बड़ी धर्मशाला बना दी, इतना घर मकान बना दिया, बच्चों की शादी कर दी, बच्चों को जीने से लगा दिया, बोला से है क्या व्यक्ति बन। ये सब के सब जो ये कहते हैं क्या भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, सब कर्म से होता है, सब प्रकृति से होता है, वे ही सब स्वयं इतने बड़े कर्ता बने रहे हैं। और इनसे अभी ये कह के तुम देखो कि इन्हें कुछ नहीं किया, इन्हें कुछ आता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, इनके बस की कुछ है ही नहीं। एक रोज की सब्जी तो खरीद के लानी है, ये सब्जी खरीद के ला रहा है इनके तो वो बुद्धिमान हो गया, और सब्जी नहीं खरीद के लाता है तो मूर्ख हो गया, इनकी बुद्धिमत्ता की और मूर्खता की परिभाषा ही है। जिसको अपना दो काम कराना है स्वार्थ का, क्यों तो वो ही करे तो वो ही समझदार बुद्धिमान है, और वो नहीं करे तो वो समझ लो पसंदीदा हो। ये दोनों बातें ऐसी गहराई से हमारे अंदर अनाधिकार से चली हैं, बिल्कुल परस्पर विरुद्ध, तू करता है कि नहीं करता है। जब भी कोई ऐसा छोटा काम आएगा कोई नहीं मिलेगा भगवान होगा क्या? अच्छा काम आएगा, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने सारे जगत में करी। अरे हम आचार्य कहते क्या मान के समझाएं? तू करता है ये मान के समझाएं कि तू करता नहीं है ये मान के समझाएं? तू भी कथन चित आदि मौका आता है जैसे अपना उपयोग करने लगता है। आचार्य जी के कह रहे हम तेरे को ये समझा रहे कि तू राजाधिक भावों का सदका आ जाता है। देखो वो राजाधिक भाव खोटी चीज है ना, मैंने कल उदाहरण दे के बताया था ना परोपकार के संदर्भ में कि शरीर हमें मिल गया है, मनुष्य हम मिल गया है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, एक बहुत बड़ा उपकार है दुर्बल काम। तो जहां शास्त्र में ये लिखा है शरीर बाना मान, शरीर बान मना है ना, काय में वचन योगा तो वगैरह सुख प्राण ऐसा है ना सुख प्राणो पान, ये सब ये दस प्राण है ना, इसमें भी दस प्राण की बात आई है। जैसे नंदर की टीका में अपने कल पढ़ी थी ना कि दस प्राण से सहित आत्मा सहित है, दस प्राण है गुजराती में, आज हिंदी में पढ़नी पड़ेगी। कल पूरे दस प्राण से आत्मा जुड़ा है कि तो वो कहते हैं कि इस दस प्राण से भी आत्मा जो मनुष्य ना अपना भी इसे सरल का जुड़ा नहीं है, दस प्राण तो शरीर का नाम है। क्या कह रहे हम तो बुद्धि के देखे तो सर्व का जुड़ा नहीं है क्या? तो किया था अच्छा मैं बतावा कि दस प्राण से यदि जुड़ा मानेंगे तो क्या दिक्कत खड़ी होगी? पूछूंगा किसी से नहीं, लेकिन जिसको समझ में आया हो वो हाथ बता दे, मुझे अंदाजा तो लगे किसी की समझ में आया कि नहीं आया। क्यों मुझे डर लगता है क्यों रिपीट कर रहा हो, क्यों रिपीट कर रहा हो? रिपीट करना तो उचित सिद्ध हो जाए
तुम्हारी कोई समस्या नहीं है, मुझे मुझे मेरी समस्या है। वो ये कहते हैं कि यदि 10 प्राण से आत्मा पूरी तरह जुदा होता तो जैसे तुम्हारे शरीर की कारछान करने से, तुम्हें शरीर में डंडा पड़ने से मुझे दुख नहीं होता, ऐसे ही मेरे शरीर की कारछान करने से मुझे दुख नहीं होता। लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष विरोध देखता हूँ, कोई मेरे सही हाथ को काटे तो बहुत भयंकर दर्द होता, तुम्हारे को काटे तो नहीं। आपके शरीर से भी डॉक्टर साहब ने जुदा, मेरे शरीर से भी जुदा, ये बात सच्ची है ना? लेकिन दोनों एक साथ आपके आपके राग से भी मैं जुदा हूँ, मेरे राग से भी मैं जुदा हूँ, लेकिन फर्क है, आपके राग से ऐसा जुदा हूँ कि उसके कारण मुझे बंद नहीं होता और मेरे राग के कारण मुझे बंद होता। जुदा नहीं है ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जुदाई जुदाई में फर्क है। तो कहते हैं कि यदि ऐसा मानेंगे कि सर्वदा जुदा है तो फिर हिंसा होगी ही नहीं, इतना काटो पीटो शरीर को हिंसा कैसे हो, कुदरत को काटने जरूरी हिंसा होगी। सर्वथा अभेद मानोगे तो आत्मा तो अकाट्य है, ये तो कोई काट ही नहीं सकता, इसलिए भी कोई हिंसा नहीं होगी। हो सर्वथा मानने में दोनों तरफ हिंसा नहीं होगी, इसलिए कथनचित मानोगे और कथनचित दे तब वो बात
आदि भाव बेकार हमने किए खोटे काम, हिंसा झूठ चोरी खुशी बरी गए और हमें उसका कर्ता बनना नहीं है, तो ऐसा कोई मिलना चाहिए उन्हें तो भगवान बेटा भगवान से कहेंगे तो भगवान तो जरूर कह सकता है, क्यों हमारा झूठा नाम है ऐसे का नाम लगाओ ना, लेकिन विरोध ही नहीं कर सकते जड़ को उसको करता बनाओ, अब वो कभी विरोध नहीं करेगी पर अपन रहेंगे ऐसे वाले लोग हैं, उन्होंने अरवाना प्रकृति ही करता है, जेनेतर दर्शनों में सांख्य है ऐसे, और जैनियों में सांख्य जैसी मान्यता वाले जैनी क्या इनकी गाथाएं हैं, वो जो 13 गाथाएं आपने पढ़ी है, अभी दो दिन सुन ली, अभी दो और चार पांच दिन सुन ली पड़ेगी, यदि आप उसे प्रेम से सुनोगे तो सारा विषय जो अपन निपादन कर रहे हैं ना वो आपके ज्ञान में घूमता जाए, ज्ञान में थोड़ा बहुत घूमेगा तो जाकर के वो स्थिर होगा कि नहीं होगा, हम ऐसे तो है नहीं अकलंग जैसे एक तरह सुनी में याद हो जाती है। अब अभी अपनी बात इससे आगे बढ़ती है कि तू करता है कि करता नहीं है, तो अब सांख्य में जैसे बात करते हैं तो फिर एक एक मुद्दा मिलता, अब आगे की गाथाएं आएंगी बौद्धों का उदाहरण देके दूसरी बात निकाल, कर्म ही करता है कर्म ही करता है, तो बौद्ध क्या कहते हैं कि करता तो आत्मा है, जो आत्मा करता है वो आत्मा भोगता नहीं है, अरे भोगना नहीं पड़ता, अपन तो यही कह के समझाते हैं सारी दुनिया को, आजादी होगी करता लो गवर्नमेंट ने अमेरिका से दूसरे देश से करके अगली गवर्नमेंट ऐसे ही ये समझता है जो करेगा करना है भोगना तो है
चेतन कृत्या रमण मिले तस्वी भूत से देह से बुद्धों के साथ और सर्वगों के साथ अपन मारे अपन भी नास्तिक हो गया। तीन दर्शन नास्तिक बताए थे ना, कौन कौन? जैन, बौद्ध और चारुबाग। चारुबाग का मतलब समझते हो? अभी कहीं कोई सारे हिंदुस्तान में जाओ तो इस मत वाला एक भी आदमी नहीं मिलेगा। हाउ प्योर घटम कृत्वा रणम कृत्वा घटम पे अश्वी भूत से देह से जीवन सुखम जीवे घटम कृत्वा घटम पे इनका नाम चारू बाग क्यों है? चारू माने होता है सुंदर, नीचे अच्छे कानों को अच्छे लगने वाले। बाक माने वाणी जिसकी खाओ पियो मुंह तो गर्म हो गए तो डॉक्टर अच्छा लगता है ना बच्चों को, चाय कुछ खाओ चाय कुछ खाओ, ये नहीं खाना घी मत खाना, ये मत खाना शक्कर मत खाना, ये मत खाना ये खाना मत खाना। तो डॉक्टर ये बात तो नहीं जाना चाहिए, गुरुदेव को ध्यान दिया करके क्या लोग ध्यान हुआ चारू बाग अच्छे के बहुत
चार वाक्य तो कम से कम इस मनुष्य भक्त अपने को जितना मानता था ना है? लेकिन ये तो कहते हैं हर क्षण नष्ट हो जाता है, सब प्राण नष्ट हो जाते हैं नहीं है। इसलिए जो जिसने किया उसे भोगना ही नहीं, पता ही चलता है। तो यहां पर कुछ बौद्ध को पता है, वो करता तो भोगता, वो कह रहा नहीं करता भोगता है, तो कह रहेगा भोग गया नहीं, कल उदाहरण दिया था ना, बहुत उदाहरण दिया था कल आचार्य संबंध पत्र का एक गाथा है, उनकी कारिका है, जिसने विचार किया है कि मुझे मारना है इसे, वो कभी मारेगा नहीं, वो तो वो विचार करते समय ही मर गया, तो मारने वाला आएगा वो दूसरा, जिसने मारा है वो कभी बंधेगा नहीं क्योंकि वो तो उसी समय मर गया, बंधेगा कोई दूसरा। और जो जेल में गया है वो कभी छूटेगा नहीं, अरे को आदमी मंगाना बात कभी वो तो जाते ही मर जाता है, छूटेगा वो दूसरा। फिर उनकी बहुत लंबी लंबी व्याख्या है, मैं आपको पूरा बहुत दर्शन भी पढ़ाऊंगा, कैसे अपनी बात को आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है जो करे सो हो गए कथनचित, और कथनचित नहीं मान गए सर्वथा मान ले तो क्या दिक्कत है इसमें? तो ये दिक्कत है कि करे तो रूप नहीं पड़े तो अनाधिकाल दिक्कत रहा, हो रहा करना भोगना पोष कभी हो गई, कोई भी कर्म तो कटेंगे ही नहीं, कोई विकार कभी छूटेगा ही नहीं, हम राग करेंगे कर्म बनेंगे कर्म दौड़े आएगा, हम राग करेंगे कैसे होता रहेगा, कभी 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 बिना भोगे भी छूट जाते, और उसकी विधि है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। तो यदि करे सो गारंटी से भोगे ये बात भी पूरी तरह सत्य नहीं है, और करे सो भोगे ही नहीं ये बात भी सत्य, इस तरह ना दो चीजों को आपने सामने रखा, नित्यवादी बौद्ध सांख्य और अनित्यवादी बौद्ध। हमारी कौन सी दो बातें, एक ये कि आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथनचित करता है और कथनचित अकर्ता है, सरकारी भाव। बनारसी दास ने खासकर आचार्य जयसेन ने हल में ना आचार्य जयसेन ने इसमें ये बात और दूर क्या जोड़ दी, अकेले रागादि भावों का नहीं बल्कि ज्ञानवर्ण आदि कर्मों का भी और शरीर आदि नौ कर्मों का भी स्त्री पुत्र आदि का इन सब है, पूरे व्यवहार में कुल क्या इनमें भी दोनों में सब में कथनचित लगे, इनका आत्मा कथनचित करता है और कथनचित करता है। तो इस तरह से ये बात अपने की थी विस्तार करके, हमें आप थोड़ी सी गहराई में जाना चाहता हूँ इसी गाथा में। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वाध्याय किया होगा, ये किताब है, ये किताबें भी ले जाओ ये भी पढ़ना, ये सब लिखा है मैंने, जो मैं बोल रहा हूँ सब इसमें लिखा मिलेगा आपको ना। जैसे अपने कमिश्नर की लाल किताब होती है ना, यही हमने अपनी हमेशा लाल किताब, मतलब उसमें ये सब बात है कि क्या क्या मैं गहराई में जाना चाहता हूँ, अब थोड़ा आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा तो अपन वहाँ अंदर उसमें प्रवेश कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है, जैसे कहते हैं अनुभूति के काम जबकि कुंद कुंद में नहीं कहा, हमने कुंद में भी नहीं कहा, उनके कहा ज्ञानी हो जाएगा आत्मा, तब में उसकी हो जाएगा तब से वो राजू में करता नहीं है ना,
और जब तक अज्ञानी है तब तक करता है। ज्ञान भाव ज्ञान करे अज्ञानी है ज्ञान अनुभूति के कारण हो गया। जब अनुभूति करेगा तब तो वो राजा जी का कर्ता नहीं है और जब उद्योग बाहर आएगा तो राजा जी का कर्ता हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा तो बताए तो बिगड़ गए। सबसे नीचे की दो पंक्तियों से प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 308 आपको वहाँ पर्दे पर भी दिखेगा, आप देखें और सुने ध्यान से। पूरा प्रकरण बहुत बढ़िया समझने लायक है। कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न। यदि अभिन्न माने तो जब जीव का विनाश नहीं होता तो प्राणों का भी विनाश नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हिंसा कैसे संभव है? और यदि प्राण जीव से भिन्न है तो प्राणों के नाश होने पर भी जीव का कुछ बिगड़ता नहीं, अतः इस स्थिति में भी हिंसा नहीं हुई। इसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारा ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि काया आदि प्राणों के साथ जीव का कथनचित भेद है और कथनचित अभेद। जिस प्रकार तपे हुए लोहे के गोले से अग्नि को उसी समय पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वर्तमान काल में काया आदि प्राणों को जीव से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवहार में से काया आदि प्राणों का जीव से अभेद है, किंतु मरण काल में काया आदि प्राण जीव के साथ नहीं जाते। इस कारण निश्चय में से काया आदि प्राणों के साथ जीव का भेद है। यदि एकांत से जीव और काया आदि में भेद स्वीकार किया जाए तो जिस प्रकार दूसरे की काया को छेदने भेदने पर अपने को दुख नहीं होता, उसी प्रकार अपनी काया को छिन्न भिन्न करने पर भी दुख नहीं होना चाहिए। किंतु ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष से विरोध आता है। ऐसा होने पर भी ये हिंसा तो व्यवहार से ही हुई, निश्चय से तो नहीं हुई। उत्तर, आप ठीक कहते हैं। यदि हिंसा व्यवहार से ही होती है तथा पाप और उसके फल में नरक आदि गति के दुखों की प्राप्ति भी व्यवहार से ही होती है, ये बात हमें स्वीकार ही है। अतः यदि आपको नरक आदि के दुख इष्ट हों तो खूब हिंसा करिए, और उसे डर लगता हो तो व्यवहार हिंसा छोड़ दीजिए। अब जो बात उठाई है दादा ने वो इस पंक्ति में है, ध्यान से सुने। अतः यदि ये निश्चित ही है कि जैन मत में सांख्य मत के समान आत्मा एकांत से अकर्ता नहीं है, किंतु रागादि विकल्प रहित स्वानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान के काल में कर्मों का कर्ता नहीं है, शेष काल में कर्मों का कर्ता।